नमस्कार, पत्रिका टीवी के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस यानी कि आज धनवंतरि दिवस भी मनाया जाता है, तो आज इस मौके पर चलिए सीधे चलते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान अमित के पास। हेलो डॉक्टर, मैं आपका स्वागत है, मैं हूं अमित। हर रोज की तरह हम आज कुछ नहीं करने वाले। जी हाँ, किसी एक बीमारी को लेकर आधे घंटे तक चर्चा नहीं करेंगे। आज हम NIA आ गए हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जोरावर सिंह गेट पर, और यहाँ एक पेन रिलीफ, एक यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। और इस पेन रिलीफ कैंप में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कैंप में अलग 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 शाखाएं बनी हुई है, सारी जगह का जायजा आपको कराएंगे। पहले डॉक्टर जोशी से हम बात करेंगे। डॉक्टर जोशी, क्या कॉन्सेप्ट है ये? सर, इसमें जो अभी धन्वंतरी त्रयोदशी के उपलक्ष्य में हमने पेन मैनेजमेंट, सूल निवारण के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है, एक त्रिदिवसीय कैंप रखा है, 3 दिन का है। और इस कैंप में हमने ग्रीवाशूल, कटिशूल, संधिशूल, आम बात, इस श्रेयशूल, दंतशूल, इन सभी को एक साथ लेकर के कैंप का आयोजन किया है। यहाँ हमने काय चिकित्सा मेडिसिन को, यहाँ औषधि चिकित्सा इसमें बताएंगे। दूसरा पंचकर्म चिकित्सा है, जिसमें हमने कटी बस्ती रखा है, जानू बस्ती रखा है, ग्रीवा बस्ती रखा है, इसी तरह से शल्य में हमने लिखा है। वहाँ हम मर्म चिकित्सा करेंगे बिना औषधि के, बिना औषधि के मर्म प्रदेश को एक तरह से दबा करके, या इस तरह की मर्म चिकित्सा से रोग को या शूल को ठीक करेंगे। इसके पश्चात सालक, कर्ण रोग है, दंत रोग है, नासा रोग है, मुख रोग है, इस तरह के विभिन्न श्रेय शूल आदि, उनमें हमने सालक का एक अलग रखा है। इसके आगे हमने रखा है योगर चिकित्सा, योग के माध्यम से भी शूल का किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, इस तरह की हमने एक थीम बना करके ये त्रिदिवसीय कैंप का आयोजन किया है जी। इस कैंप में सर हमने सारी औषधियाँ फ्री रखी है, निःशुल्क है, निःशुल्क पंजीयन है, निःशुल्क पंचकर्म की जो भी विधियाँ हैं, अभ्यंग है, स्वेदन है, कटी बस्ती है, जानू बस्ती है, सबको एक तरह से निशुल्क रखा है जी। अभी हम ये खड़े हैं, ये काय चिकित्सा का ये काउंटर है। यहाँ हम बात करते हैं, आप जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी सुबह से काफी सारे मरीजों को यहाँ देखा है, अभी लगभग लगभग मेरे ख्याल से अभी फ्री मूड में है डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर साहब, कितने मरीज आज अपन ने लगभग देख लिए? लगभग काय चिकित्सा की हम बात करें स्पेशली, तो लगभग 200 पेशेंट्स को हमने यहाँ देखा है। और जिसमें विशेषकर काय चिकित्सा की दृष्टि से हम बात करें, तो हमने जिनका पेन मैनेजमेंट कह सकते हैं, जॉइंट डिसऑर्डर का फील्ड है, जिसमें उसको ग्रीवा का पेन हो सकता है, उसको कटी का पेन हो सकता है, उसको शोल्डर का पेन, इस तरह के पेशेंटों की संख्या इसमें ज़्यादा रही है। बाकी जनरल पेशेंट में जैसे कहीं कहीं सिरे सूल का भी आया है, कहीं पेट की कंप्लेंट लेके भी आया है उसको, उधर सूल इस तरह का, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट है वो जॉइंट डिसऑर्डर की ज्यादा हम कह सकते हैं, उस तरह के पेशेंटों को ज्यादा देखा गया जी। आपसे जानना चाहूंगा, आज जो पूरे दिन भर में जो पेशेंट्स आए, वो जैसे जॉइंट्स को लेकर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं ज्यादा समस्या थी, क्यों लोग आज आयुर्वेद क्या कहता है, क्यों परेशान है लोग, क्यों इस तरह से ये दर्द क्यों हो रहा है? एक्चुअली आजकल जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो थोड़ा सा इधर उधर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो नहीं कर रहा है ना, जो सही तरीके से नहीं कर रहा है, सारे पेशेंट एलोपैथी मीन्स अंग्रेजी दवाई में जो जा रहा है, उधर जो जस्ट थोड़ा दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए वो पेन रिलीफ होता है, तो उसको और क्रॉनिक स्टेज में धीरे धीरे चला जाते हैं। तो उसमें हमारा आयुर्वेद मेडिसिन में काफ़ी रूट लेवल से उसको रिलीफ करने के लिए जो हमारा मैनेजमेंट है आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, वो पेन मैनेजमेंट के ऊपर आयुर्वेद मेडिसिन के लिए ये कैंप मना करा जी। आप दिन भर यहाँ मौजूद हैं, आपने देखा जिस तरह से पेशेंट आए, क्या सबसे ज़्यादा क्या क्या क्या, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी जिक्र किया, आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या समस्या लेकर आए? वैसे अभी ये जो कैंप ही है ना, जॉइंट मैनेजमेंट के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए है, इसलिए पेन के कंप्लेंट लेके ही आए हैं। स्पेशली पेन, स्पेशली जो नी पेन आए हैं और बैक पेन, लो बैक पेन और शोल्डर पेन, ऐसे पेन लेके आए हैं, जो कि आजकल के जो ज़्यादातर लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम जो है ना, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से जो निकल रहे हैं, वही प्रॉब्लम लेके आए हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि जो पेशेंट्स हैं, पेन रिलीफ आप आज यहाँ दे रहे हैं, पेशेंट्स में मैक्सिमम जो है क्या, किस दिमाग से आते हैं? आयुर्वेद के पास आते हैं तो लगभग लगभग और पैथीज में भी एक बार आजमा कर आते हैं, आपके पास जब यहाँ लोग मिल रहे थे क्या उम्मीद लेकर आए थे? एक्चुअली क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इतना बढ़ गया है आज, मॉडर्न साइंस में ले लीजिए आप, पेशेंट वहाँ जाते हैं तो 2 या 3 घंटे सिम्टोमेटिक आराम को मिल जाता है। आयुर्वेद ऐसा क्या है,
इस तरह से मेडिसिन दी जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेडिसिन का, पेशेंट लेता है पूरी तरह ठीक होता है पेशेंट। हम योगा भी करवाते हैं, नी जॉइंट पेन हुआ या बैक एक हुआ उन सभी के लिए, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है मेडिसिन का। तो इस जो सारा कंसेप्ट है ये लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर जब देते हैं, आप लोग कई तरह के मतलब चीज़ों को मिक्स करके उन्हें सजेस्ट करते हैं यहाँ पर, लेकिन अब जब है आदमी को देखना है एक महीना लेना है, दो महीने लेना है, उसकी बजाय वो सोचता है कि कुछ गोलियां ले लूं, तीन दिन में ठीक हो जाऊं, इंस्टेंट रिलीफ दे दे, ऐसे में आयुर्वेद जो लंबे समय तक की एक डिमांड मांगता है, तो ऐसे में पेशेंट को बनाए रखना अपने साथ, भाई विश्वास तो है ही आयुर्वेद पे, हमारी अपनी पद्धति है, लेकिन जो वो इंस्टेंट रिलीफ चाहता है वो नहीं मिलता, तब पेशेंट्स कुछ सवाल करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, पर हम उनको पथ्य अपथ्य दोनों का पालन करना सिखाते हैं, बताते हैं उनको कि क्या खाना है क्या पीना है, और उनको दवाइयों से हिसाब से देते हैं, फिर बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा पर धीरे धीरे मिलेगा। और अगर इंस्टेंट रिलीफ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, पर ज़्यादातर जो मेडिसिन चलती हैं वो थोड़े लंबे समय तक ही चलती है। तो हम बेसिकली उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, उनके खाने पीने को, उनके रहन सहन को, और उनकी एक्सरसाइज, उनको एक्सरसाइज बताना और पंचकर्म की थेरेपी को इन्वॉल्व करना, ये सारी चीज़ें साथ में हम लेकर के चलते हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। जी चलिए, ये है, आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखना होगा, थोड़ा सा विश्वास रखना होगा आयुर्वेद में अगर आप अपने दर्द से निवारण चाहते हैं। बाकी इस कैंप में हम देख रहे हैं काफी पेशेंट आए, अभी चलते पंचकर्म के बारे में जानेंगे, अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब हम आ गए इस काउंटर पे, यहाँ पंचकर्म चिकित्सा के बारे में यहाँ परामर्श चल रहा है, डॉक्टर्स भी बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ पेशेंट्स भी हैं, सबसे बात करेंगे, डॉक्टर से भी करते हैं पेशेंट से भी करेंगे। क्या तकलीफ है आपको? सर मुझे कमर में और एक पैर में पूरे में जलन है और यहाँ कंधे में जलन है, तो अभी तो मैं ले रही हूँ यहाँ का ट्रीटमेंट। जी कब से ले रहे हैं आप आयुर्वेद में ये ट्रीटमेंट? आज ही आए हैं? नहीं मैं तो यहाँ तो आई हूँ, कल आई थी, आज आई। अच्छा, तो पंचकर्म हुआ आपका? हाँ जी। क्या उस टाइम तो बहुत रिलीफ मिलती है। अच्छा, जब पंचकर्म हुआ तब रिलीफ मिला। हाँ, उस टाइम तो बहुत रिलीफ मिली। चलिए डॉक्टर साहब से, हम डॉक्टर साहब के पास आए, उससे पहले एक और पेशेंट बैठे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम सर? राजप्रकाश। राजप्रकाश जी, क्या तकलीफ क्या है? कौन से दर्द से? 15 दिन से। अच्छा, मैंने और भी ट्रीटमेंट करवाया, इसे आराम नहीं मिला, तो मैं आज यहाँ आया। जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा वहाँ कैंप लग रहा है वहाँ दिखा दो, तो यहाँ आया मैं। जी, तो इन्होंने मेरे पीठ में कुछ किया है, पंचकर्म क्या? हाँ, पंचकर्म क्या? हाँ, है ये किया। हाँ, 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 है ना। उस टाइम में तो आराम मिला, गरम गरम उन्होंने तेल भी डाला, दवा डाल क्या डाला, बड़ा आराम मिला। आराम मिला? हाँ आराम मिला। जी, अब तो आराम तो है लेकिन दर्द अभी गया नहीं, अब जाएगा। हाँ दर्द पहली बार में तो क्या होगा। चलिए डॉक्टर साहब से समझते हैं। जी आराम है, आराम मिला। ये पंचकर्म है, ये पंचकर्म है क्या, ये डॉक्टर साहब से यहाँ समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब क्या है पंचकर्म? पंचकर्म बेसिकली शोधन है, शोधन चिकित्सा, जिसमें हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। पर जैसे अगर कमर दर्द है उसमें हम एक विशेष चिकित्सा विधि होती है हमारी, कटिबस्ती, उसके अंदर हम ऑयल, एक आटे की वॉल बना के ऑयल फिल करके रखते हैं, लगभग आधा घंटे हम टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। तो कोई भी कमर से कोई भी दर्द है या कोई रीढ़ की हड्डी में नस दब गई, उस तरह की डिजीज में काफी कारगर है। आपको पीछे डेमोंस्ट्रेशन भी है, वो भी हम समझना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ, क्या हर दर्द में पंचकर्म में निवारण है या कुछ खास दर्दों के लिए पंचकर्म यूज किया जाता है? अभी यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं वो खास करके जोड़ों के दर्द को हमने फोकस किया हुआ है, और खास करके जो डिजेनरेटिव डिसीज है का, जो हड्डियों में कमजोरी आने के वजह से, जो बोन डीजनरेशन होने के वजह से जो जो दर्द होता है, जोड़ दर्द होता है, उसमें हम फोकस कर रहे हैं अभी। जी चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं पंचकर्म क्या है। ये एक यहाँ डमी रखी हुई है, डमी से हम समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। जी बताइएगा डॉक्टर साहब। बेसिकली अभी जो पेन जो मैनेजमेंट की थीम है उसके अंतर्गत पंचकर्म डिपार्टमेंट ने दो ही पेन को सेलेक्ट किया है, एक तो गर्दन का दर्द और कमर का दर्द। उसके लिए विशेष रूप से जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है वो गर्दन वाले दर्द को बोलते हैं ग्रीव अवस्थी। इसमें भी सेम हम कोई सेलेक्टेड पेशेंट के अकॉर्डिंग ऑयल सेलेक्ट करते हैं, फिर गर्म ऑयल इसमें भर के रखते हैं और इसका पूरा टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। सेम प्रोसीजर ये कमर पे करते हैं, कमर इसको बोलते हैं कटिबस्ती। इसके अलावा एक और मैनेजमेंट जो हमने एज अ पेन वो किया है वो है मात्रावस्ती, उसमें गुदा मार्ग से हम ऑयल का एनिमा देते हैं। ये पूरे पेन मैनेजमेंट में और नर्व्स को स्ट्रेंथ करने में काफी कारगर है। जी तो ये पंचकर्म से कितना रिलीफ, कितनी बार कराना पड़ता है यदि मैं चाहूँ?
कि पूरा दर्द से निवारण मिल जाए, तो कितनी बार पंचकर्म? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी डिजीज कितनी सीवियर है, पर मिनिमम हम 7 डेज से लेकर 14 डेज तक हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं। जी। अच्छा, ये जो ये तेल है, ऑयल है, डॉक्टर साहब ये कौन सा तेल? ये मेडिकेटेड ऑयल है। अभी हमने जो यहाँ सेलेक्ट किया वो 3 टाइप्स ऑफ ऑयल है, उसमें एक मानारायण तेल है, एक लघु विष्कर्प तेल है और पंचकर्म तेल है। वो हम पेशेंट की कितनी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आटा है ये उड़द का आटा है। अच्छा, उड़द का आटा है, उड़द का आटा है स्पेशली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ओरिजिनल तेल ही है ये डमी के हिसाब से? ये भी नहीं, नहीं, ओरिजिनल तेल है, मैं देख सकता हूँ। और अभी कैंप में कम्प्लीटली। चलिए, ये पंचकर्म के काउंटर पे हमने यहाँ समझा कि पंचकर्म विधि क्या है। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं हेलो डॉक्टर में। आज यहाँ पेन रिलीफ के लिए NIA में जो कैंप लगा है, यहाँ से चर्चा जारी रहेगी, आपको और भी चीजें दिखाएंगे। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हेलो डॉक्टर में। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS शर्मा जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप हम पढ़ते भी रहते हैं कि अधिकतर रिसर्च में यही आता है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है और जो हड्डियों की परेशानी है वो महिलाओं को ज़्यादा होती है, तो इसमें अपना कैसे ध्यान रखें महिलाएं? एक तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक मिथ है, ये गलत है। ये पहले के ज़माने के अंदर कहा जाता था कि महिलाओं की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर कंपेयर किया जाए तो मेल्स के अंदर भी इक्वली डोमिनेंट है ऑस्टियोपोरोसिस, एंड मोटा मोटा बिकॉज ऑफ दी हैबिट्स। पहले अपने लेडीज़ वगैरह जो है वो घर के अंदर ही बंद रहा करती थी, एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड हुआ करती थी, तो वो इनक्रिमिनेट किया जाता था ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। बट आज की तारीख में सिमिलर कंडीशंस मेल्स के अंदर भी बहुत हो रही हैं। जैसे मैंने बताया पहले कि आज का जो यूथ है वो कितनी एक्टिविटी करता है, स्पोर्ट्स का एक्सपोजर कम है, हालांकि अब लेटली थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज दिस गोज विथ जनरेशंस एंड दैट इज हाउ इसके अंदर जो सुधार होता है। नई जनरेशन है वो देखती है, सीखती है, समझती है, फिर करती है वो। सो इस तरह से सुधार होता है उसके अंदर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हड्डियों को हमको एक्टिव रखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका वजन ज़्यादा है, वो मोटापे की समस्या से परेशान रहते हैं, तो यदि उनके साथ ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो तो क्या स्थिति रहती है? तो पॉजिटिव फैक्टर जो मोटे हैं जैसे बताया, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड। अब वो कंट्रोल कैसे होएगा? वो एक्सरसाइज से कंट्रोल होएगा, डाइट कंट्रोल से होएगा। तो ऑटोमेटिकली जो लोड पड़ेगा वो बोन्स के ऊपर, जो लोड पड़ेगा तो बोन्स जो है स्ट्रेंथ गेन करेंगी, एक्सरसाइज करेंगे तो टिश्यूज, बोन, एवरीथिंग इज गोइंग टू इम्प्रूव। और जो लोडिंग है, जो बोन्स के ऊपर जो लोडिंग है वो कम होएगा, तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बोन। उनको क्या वजन घटाने के लिए कहा जाता है? वजन घटाने के लिए, वजन घटाने का तो आजकल दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड इन द US आई थिंक सबसे प्रिवेलेंट प्रॉब्लम आज की तारीख में है वो ओबेसिटी ही है, राइट? बचपन से, एकदम बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक डायट्री हैबिट्स, जंक फूड, इम्बैलेंस्ड डाइट्स, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड इनएक्टिविटी। इन सब कुछ टू टॉप इट ऑल, इनएक्टिविटी इसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि दुनिया में लगभग इस बीमारी के या इस समस्या से जो परेशान है लोगों, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर लगभग 3.5 करोड़ ऐसे लोगों की संख्या है। अच्छा, जिसमें जब खान पान की बात आती है कि आपको डाइटरी चीज़ें लेनी चाहिए डाइट के अंदर, तो वो क्या चीज़ें हैं कि हमको इसमें हम शामिल करें? Essentially, bone के लिए milk and milk products are the best help. Some non-veg preparations also, they help. But essentially, that is how it helps. Green vegetables and a healthy diet, that is what is important. Avoid too much of fats and excess of proteins. इनसे अलग problems होती हैं। ये करके और अपना हेल्दी शेड्यूल रखा जाए, सो दैट टेक्स केयर। अब अभी जैसे अपन बात कर रहे थे और आपने जैसे जिक्र किया था कि भी फीमेल्स के अंदर ये कॉमन पाई जाती हैं, मैंने उस वक्त भी मैंने कहा, अभी मैं बताता हूँ कि ये फीमेल्स के अंदर नहीं, मेल्स की भी वैसी ही हैबिट्स होती जा रही हैं। बिल्कुल,
ये जंक फूड जैसे मैंने कहा, तो आज की तारीख में जंक फूड इतना प्रिवेलेंट है, विच इज अ वेरी वेरी मेजर कॉज फॉर ओबेसिटी, फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और इसके साथ में रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं। एसी के लिए आपने कहा कि मतलब कि ज़्यादा आप एसी के अंदर जो लोग बैठते हैं, अब मान लीजिए उसको बैठना है, मजबूरी है, तो उसके पास फिर क्या विकल्प रहता है? मतलब क्या वो विटामिन डी सप्लीमेंट ले तो उसका काम चल जाएगा, या उसको 15 से 20 मिनट की धूप लेनी चाहिए, और वो धूप किस समय की फ़ायदा करती है? एसी में बैठना चाहिए, पर एसी का अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर मॉर्निंग का जैसा एक्सपोजर हो जाता है, घंटा भर सुबह का टाइम एक्सपोजर हो जाए, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग जो कि करना ही चाहिए, वो हो जाए प्लस आउटडोर एक्सरसाइजेस वगैरह हो जाएं, तो दैट कैन कॉम्बैट। और फिर अगर वीकनेस है, कमजोरी है जो कि टेस्ट से मालूम किया जा सकता है, तो सप्लीमेंट्स दे करके और वो पूरा किया जा सकता है। जो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, जैसे अब विटामिन डी कहते हैं कि धूप से मिलता है, तो ये इसमें एक हमारे को थोड़ा एक उत्सुकता है कि ये फायदा कब आएगा? मान लीजिए मैं पिछले 6 महीने से धूप में बैठ रहा हूँ, मैं धूप ले रहा हूँ, तो उसका फायदा मेरे को मतलब 15 दिन बाद मिलने लग जाएगा शरीर को, तो 1 महीने बाद मिलेगा, कोई ऐसी समय सीमा होती है इसकी? इसमें आप फायदे के बारे में नहीं सोचे, इसके अंदर नियमित रूप से विटामिन डी या सन का जो एक्सपोजर लेंगे वो अपने आप काम करेगा। इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल या फिक्स्ड टाइम नहीं है कि साहब इतना इतने दिन या इतना घंटा धूप में बैठने से अपने को इतना फायदा हो जाएगा। देयर इज नो फिक्स्ड रूल अबाउट दिस, बट बाय एंड लार्ज देयर शुड बी एन एक्सपोजर टू दिस सन, और प्रेफरेबली ये सुबह का टाइम जो है, सुबह के टाइम में जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, दे वर्क ऑन द सिस्टम, दे प्रोड्यूस द विटामिन डी। तो वो सुबह के टाइम के अंदर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहता है, बॉडी भी फ्रेश रहती है, तो उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं इन द सिस्टम, इन द डिपार्टमेंट्स, कि ये सुबह के 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब सूरज उगता है तब ज़्यादा ठीक है, या 10-11 बजे के बाद में। तो आई थिंक दिस इज मोर फॉर आवर डिस्कशन, बट मॉर्निंग सन जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहता है उस टाइम के ऊपर इट इज द बेस्ट। उसमें दोनों चीज हो जाती है, मॉर्निंग वॉक का वॉक हो जाता है, सन का सन मिल जाता है, लोग बाग एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। आजकल बड़ा कॉमन हो गया, आपने कभी देखा हो तो बाहर आप पार्क्स में जाइए, उधर जाइए तो योगिक क्रिया चलती रहती है, समूह में लोग बैठ करके योगा करते रहते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह सब चलती रहती है। ऑल दीज आर वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी हैबिट्स, और वो करनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, वो एक शुरू हुआ है कुछ पिछले कुछ सालों से, लेकिन उस इलाके में जितनी आबादी रहती है उसके अनुपात में देखे तो वो बहुत कम संख्या है लोगों की अब भी, और उसमें एज वाले लोग ज़्यादा हैं, नौजवान भी शुरू हुए हैं आने पर कमी रहती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए आपको। अच्छा, एक इसके अंदर ये भी कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जब गंभीर स्थिति में होता है, सीवियर स्थिति होती है कंडीशन, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एहतियात बरतनी पड़ती है कि छींकने से या खांसने से भी हड्डी आपकी फ्रैक्चर हो सकती है। बिल्कुल सही है, अगर हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाएं कि आपके शरीर का वजन नहीं ले सकती हैं, वो जोर नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, तो छींकने के साथ में जोर से छींक अगर आ गई तो मालूम पड़ा कि पसली जो है पसली चटक जाएगी, आपका भयंकर दर्द एकदम हो जाएगा, या आगे एकदम झुके आपको वजन उठाने के लिए तो कमर की कड़ी वगैरह हैं वो पिचक जाएंगी, आप जोर से स्टेप कर लिया या 2 स्टेप आप उतर गए तो कूल्हे की हड्डी है वहां से क्रैक हो जाएगी। तो ये एक्सट्रीम केसेस हैं, विच इज नॉट अनकॉमन, बड़ी कॉमन हो जाती हैं ये, और अपने यहाँ तो निग्लेक्ट इतना स्टेज तक होता है जब ये नौबत आ जाती हैं उस स्टेज पे, तो उसके पहले तो हड्डियां काफी दुख जोड़ जोड़ हैं, मांसपेशियां हैं वो सब दुखने लग जाती हैं, चैन से नींद नहीं आ सकती है, लेटेंगे तकलीफ चालू हो जाएगी, दर्द चालू हो जाएगा, एनाल्जेसिक्स जो हैं दर्द की जो दवाइयां हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, उनका जब तक असर रहता है तो थोड़ा इफेक्ट करती हैं, उसके बाद में फिर वही है, बट दर्द की दवाई खा करके अपना उसको ठीक करेंगे दे कॉज फार मोर प्रॉब्लम्स, उनकी अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो अल्टीमेटली सब चीज़ जो बॉयल डाउन करती है कि एक हेल्दी डाइट लो, तरीके से आप रहो, एक्सरसाइज करो, दैट कीप्स यू फिट। चलिए हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ऑस्टियोपोरोसिस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हेलो डॉक्टर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस डे पर हड्डियों के कमजोर होने और हड्डियों से जुड़ी हमारी अन्य जो कॉमन तकलीफें हैं, आम समस्याएं हैं, उनके बारे में। हमारे साथ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएस शर्मा जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हड्डियों के मामले में हम लापरवाही कर जाते हैं, मतलब हम चीज़ों को टालते रहते हैं, तो ये मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस या और हड्डियों की गंभीर समस्या है, तो ये उसमें कितना खतरनाक हो सकता है और क्या ध्यान रखना चाहिए हमको? हड्डी अगर कमज़ोर हो जाती है और कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से कि दुख रहा है, जोड़ दुख रहा है या हड्डी दुख रही है, ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि भाई किस कारण से दुख रही है। अगर मोटा मोटा अगर समझ में आता है कि भाई इस कारण से हो रहा है, तो उसका इलाज तुरंत कर लेना चाहिए या फिर कंसल्ट करके एंड रेक्टिफाई कर लेनी चाहिए। मोटा मोटी बात तो यही है उसके अंदर, बाकी ये सब नियम से ध्यान रखने की बात है। अच्छा, ऐसे लोग हैं जिनको साथ में अन्य बीमारियां भी हैं या अन्य परेशानियां हैं जिसका वो लंबे समय से इलाज ले रहे हैं, मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बीपी की दिक्कत है, या उनकी सर्जरी हो चुकी है, या मान लीजिए जैसे गठिया भी एक कंडीशन है, वो उसका इलाज ले रहे हैं या परेशानी है, तो उनको यदि ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होती है तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? इनमें आप किसी भी बीमारी में आप ये नोट करेंगे कि हर डॉक्टर, वेदर इज अ फिजिशियन और अ रूमेटोलॉजिस्ट और अ कार्डियोलॉजिस्ट और अ डायबिटोलॉजिस्ट, ये सब एडवोकेट करते हैं कि आप जितनी एक्सरसाइज करें वो अच्छा है। हार्ट के ऑपरेशंस के बाद में भी उनसे कहा जाता है कि आप जल्दी चलना चालू करें और नियमित रूप से अपना चलने की दूरी बढ़ाएं। डायबिटीज के लिए तो वॉक करना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली इन बीमारियों के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो फर्क पड़ जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज वेयर इट इज इम्पॉर्टेंट। सो आपने जो जो बीमारियां बताई हैं, वेदर इट इज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम, इन सब के अंदर एक्सरसाइज इज असेंशियल एंड नियम से कोई चीज करी जाए वो बेटर है। अच्छा, मैं इसका इंटरनेट पे जो सर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि जो मसूड़ों की तकलीफ है और पकड़ कमजोर हो जाना हाथ की, वो और नाखूनों का कमजोर होना या नाखूनों का सफेद होना एक वो भी कुछ इसके लक्षण हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपोरोसिस साथ में एसोसिएटेड हैं। ब्रिटल, अगर हड्डी कमजोर होगी तो वो ब्रिटल हो जाएगी। नॉर्मल कोर्स में हड्डी जो है लचीली होती है, उसमें लोच होती है। बच्चों में तो बहुत ज्यादा लोच होती है, बट इन द एल्डरली ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ बोन इज लचीली होती है उसके अंदर, तो ये शुष्क हो जाती है, मतलब जाती है। एक दूसरा फैक्टर, लकड़ी जो पड़ी रहती है, एक दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट आपने जो जिक्र किया, तो जो फ्लोराइड्स जहां पे होते हैं, फ्लोराइड्स बोन को बहुत अफेक्ट करते हैं, बोन को, द क्वालिटी ऑफ बोन एंड द ज्वाइंट्स। द फ्लोराइडिक बोन्स होती है वो हार्ड होती हैं, एज अगेंस्ट द सॉफ्टर बोन्स इन द नॉर्मल स्टेट। अच्छा, कुछ जैसे आजकल जिम में लोग जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो वो प्रोटीन्स और दूसरे सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेते हैं अपने मसल बिल्ड करने के लिए, लेकिन क्या इनसे उनको हड्डियों की प्रॉब्लम होने का कुछ डर रहता है? देखिए, दिखावे के लिए तो बहुत कुछ किया जाता है। आप ऊपर से कितना ही मेकअप कर लीजिएगा, कितना ही डेकअप कर लीजिए, बट द इंटरनल स्ट्रक्चर हैज टू बी स्ट्रांग। एंड मैं एक बड़ी स्ट्रांग, बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज ये कन्वे करना चाहता हूं कि ये जो जिम्स वगैरह के अंदर जो ताकत के कुछ पाउडर्स वगैरह वो जो दिए जाते हैं, कई लोग इसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनके अंदर कई पाउडर्स के अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। उन स्टीरॉइड्स की वजह से हाँ, मोटापा आता है, मसल बिल्ड होती है, फॉल्स ताकत भी होती है, बट वो इतना नुकसान करती हैं कि उनके पास, हमारे पास में इलाज होता रहता है, कुछ तो जिंदगी भर इलाज नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा खराबी हो जाती हैं। आई वॉन्ट टू कॉशन एवरी वन ऑन दिस कि जिम्स के अंदर जाएं, बी वेरी वेरी सेलेक्टिव अगर कोई पाउडर्स वगैरह लेते हैं तो, और स्टीरॉयड नाम की चीज़ से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सर्टिफाइड जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं,
उन पे आप ध्यान दें और उसका डॉक्टर से भी एक बार सलाह जरूर लें, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जो का जो कद और वजन होता है उसके अनुपात में इन चीजों को लेने के लिए कहा जाता है, जो कि अमूमन हम ध्यान नहीं रख पाते हैं अपने जीवन में। तो आपको एक एक्सपर्ट से, मेडिकल पर्सन से जरूर उसके बारे में बात करने के उसको लेना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे कि जैसे मेनोपॉज जो है वो वाली स्थिति और जिनके फैमिली हिस्ट्री रही है, तो उनके लिए क्या मतलब इसका? पहले ये हुआ करता था कि मेनोपॉज के टाइम के ऊपर वैसे ही कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह देना चालू कर देते थे, बट अब ये लग रहा है कि मेनोपॉज तो आता है अपना ऑलमोस्ट 45, 50 के आसपास, बट ये अर्ली एज के अंदर ही जो सप्लीमेंट्स हैं फीमेल्स के अंदर, आजकल हम 30-35 की उम्र से ही चालू कर देते हैं, और मेनोपॉज के टाइम में उतना एडिशनल सप्लीमेंट करना पड़ता है कि उसके साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, इसमें कोई सर्जरी का भी विकल्प है मरीजों के लिए यदि ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है या जैसे गठिया के मरीज हैं? ये ऑस्टियोपोरोसिस के साथ हम इन जनरल भी बात कर रहे हैं गठिया के बारे में, कि क्या इनका आपस में भी कोई कनेक्शन है और सर्जरी से कोई राहत मिल सकती है इसमें? ऑस्टियोपोरोसिस तो हड्डी की कमजोरी है और गठिया जो है वो अलग से रोग है, दैट इज एन आर्थराइटिस, पर वो बोन को भी अफेक्ट करती है, जॉइंट को भी अफेक्ट करती है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर अगर हड्डी कमजोर होकर के गल के और टूट जाए तो उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए, प्लस मेडिसिन वगैरह दे करके और डेवलप करना पड़ेगा उसको। एज अगेंस्ट गठिया, ये इनके अंदर जोड़ खराब हो जाते हैं, जोड़ गल जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, खासतौर से हाथ के जोड़ हैं, घुटना के जोड़ हैं, पंजे के जोड़ हैं, अब देखेंगे बड़े विकृत रूप ले लेते हैं ये। तो ये जो कंडीशंस हैं, पहली बात तो इनको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करके और रखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करके इन सबको चलाते रहें जिससे चाल बनी रहे, जोड़ सीधे रहें, वो दूसरा स्टेज है। थर्ड स्टेज अगर इतना खराब हो चुका है कि जोड़ खराब हो गए तो सर्जरी करी जाती है। आजकल सर्जरी बहुत एडवांस कर गई है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो आजकल ये सारे इसीलिए डेवलप हो रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखा जाए, आराम से आदमी टू द लास्ट डे वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जोड़ सब चलते फिरते रहें, सारे सिस्टम्स वर्क करते रहें, इसीलिए सारी ये सर्जरी जो डेवलप हुई हैं, दैट्स हाउ दे हैव कम इन। अच्छा, वो उम्र कौन सी है जिसमें व्यक्ति अपनी हड्डियों के घनत्व और उसकी मजबूती के बारे में जांच कराना शुरू करे? ऑन एन एवरेज आई थिंक इन फीमेल्स अबाउट 45, इन मेल्स अबाउट 55, दैट इज अबाउट द एज, इसके आसपास अपने को जरा सा गौर कर लेना चाहिए। और इसके बाद में सर पीरियोडिकली चेकअप अगर हो जाए तो जो कम बेसी होती है ना उसको पूरा किया जा सकता है, तो शरीर बहुत अच्छा चलता रहता है, स्वस्थ रहता है। तो आप किसी उसका इंतजार ना करें कि मेरे शरीर हड्डियां दर्द करेंगी तभी मैं उस पर ध्यान दूं, उस एज के हिसाब से आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें तो आपको पता भी चल जाएगा हड्डियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम डॉक्टर सीएस शर्मा जी को थैंक्स कहेंगे, उन्होंने हमें ऑस्टियोपोरोसिस और इन जनरल सामान्य रूप से भी हड्डियों की देखरेख के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को आप ऐप के जरिए भी जान सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज ऐप को डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ पत्रिका टीवी लाइव भी देख सकते हैं। पत्रिका टीवी के ढेरों प्रोग्राम्स हैं, लाइव बुलेटिन हैं, वो आपको वहां देखने को मिलेंगे। नमस्कार, देखते रहें पत्रिका टीवी।